सो गाइस टीम गर्ल्स में टीम कृतिका और टीम काशवी जो है यहाँ पे हमारे साथ है, अपने अपने प्लेयर्स के साथ तैनात। पहला चैलेंज कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास यहाँ पे बोल ऑफ कॉटन है एंड साथ में यहाँ पे मॉइस्चराइजर है थोड़ा। तो ड्रिल ये है कि हर टीम में से जो एक एक बंदा आएगा पहले 8 कॉटन बॉल्स को जो है पहले अपने नाक लगाएगा मॉइस्चराइजर पे, नाक को कॉटन बॉल से टच करके उस एंड पे ले जाएगा और बोल पे नाक बोला ना, अच्छा नाक। तो मतलब उसके बाद उनको उस एंड पे जाना है, बॉल में अपना ऐसे 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 करके बॉल को गिराना है, कॉटन बॉल को। आप अपने हाथ वाथ को यूज नहीं कर सकते। पर प्लेयर आएगा 8 कॉटन बॉल को यहाँ रखेगा, नेक्स्ट प्लेयर आएगा 8 को रखेगा, टोटल 24 है। जो टीम कल सबसे कम टाइम में यहाँ से वहाँ सक्सेसफुली ज्यादा बॉल रख लेगी उसको विजेता घोषित कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे पूरे चैलेंजेस का ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुका है, एवरीवन इज रेडी। बट बिफोर दैट हम आपके लिए एक बहुत नया प्रोडक्ट लाए हैं, चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट। गाइस लेट बिफोर गेटिंग ऑन टू द वीडियो आज थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम डिसाइड किए हैं कि थोड़ा सा कलर कर लेंगे बाल, मेरा ब्राउन ब्लैकिश है तो हम पूरा ब्लैक करने वाले हैं इस बार। सो गाइस व्हाट मेक्स दिस बी ब्लंट सैलॉन सीक्रेट हेयर कलर स्पेशल, सो बेसिकली जो नॉर्मल कलर्स में गाइस नहीं होता है, दिस इज दिस शाइन टॉनिक जिससे आपके बाल इवन आफ्टर कलर कभी वो रफ नहीं रहेंगे, इट विल लुक शाइनी एंड सॉफ्ट। दे हैव आल्सो गिवन सिल्क प्रोटीन। द सिल्क प्रोटीन से क्या होता है गाइस, आपके बाल जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहती है, सॉफ्ट रहती है एंड इट लुक्स शाइनी, डजंट लेट योर हेयर टू ब्रेक। B Blunt is a premier hair care and styling brand which is synonymous with cutting edge hair styling and hair care. B Blunt also stands for its uniqueness and individuality. So we present the B Blunt Salon Secret Hair Shine Cream Hair Color, which is a salon quality hair color created especially for the Indian hair textures and skin tones. It is a first of a kind developed by a hair experts with no ammonia to give the hair that rich, vibrant color. It's a three part formula enriched with our Salon Secret, the Shine Tonic. When added to the creamy colorant and developer, this revolutionary addition boost the richness of the color giving it the ultimate gloss. Hamara hair color to ho chuka hai and as aap dekh rahe ho like already I have washed it and aadha ghanta rakhna padta hai, so aadha ghanta humne guys already rakh diya hai and after hair drying it looks good, it looks shiny. So guys aapko agar ye product lena hai to make sure you do check out the links in the description. It is also available in the official website of B Blunt or also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. Guys to avail the discount you need to use the code SA1220 written right here. आप ये ऑन द वेबसाइट यूज कर सकते हो फॉर अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो पहले गेम के लिए पहले जो दो लोग जा रहे हैं वो टीम कैप्टन्स देमसेल्व्स जा रहे हैं, तो आप लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं जो सबसे पहले 8 आप तक पहुंचाने। तो आर यू रेडी, लेट्स इन 3 2 1 लेट्स गो। चल चल कृतिका चल, लेट्स गो लेट्स गो, हाथ आ पीछे चल 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 च
लास्ट है ना, लास्ट है। यस। अरे मर्दी ने हाथ दिया, अब तो ट्रेन पे चिपक गया वो। मर्दी ने ट्रेन पे चिपक गया। ओह यार, मर्दी छोड़ दो। हार गए अपन। हार तो गए। हार गए। ए ए, इसने हार गए भाई। जीत जाते हो ना। सो गाइस, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड चैनल। सो गाइस, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड चैलेंज। तो ड्रिल ये है यहाँ पे कि ये कैन है इस साइड पे फॉर टीम वन, सेकंड यहाँ पे कैन है फॉर टीम टू। यहाँ से मुंह से आपको धक्का देके उसको उस ब्लैक लाइन तक पहुँचाना है। एक सिर्फ फेस से आपको धक्का देके आपको पहुँचाना है। जब आपका टीम का एक बंदा वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँचा देगा, देन आपका सेकंड मेंबर आएगा टीम का, आपको फिर दो कैन यूज करके उसको फेस से थ्रू जो है धक्का देके आपको वहाँ तक पहुँचाना है। अगर इनकेस आपका रास्ते में गिर गया, यू हैव टू कम बैक रीस्टार्ट एंड देन फिर उसके बाद जो है आपको दोबारा से पहुंचाना है। ये रेस है एक तरीके से दोनों टीम के बीच में। जब सेकंड बंदा पहुंचा देगा, देन द थर्ड बंदा विल कम और फिर ये यहाँ पे थर्ड कैन रखेगा। जो भी टीम पहले इसको अचीव कर लेती है दैट टीम में। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, टाइम भी स्टार्ट होता है, आप लोगों की रेस स्टार्ट होती है इन 3 2 1 गो। वो ये क्या कर रहे हैं? बेस से धक्का दोगी तो गिरेगा नहीं, ऊपर से धक्का दोगी तो गिरेगा। कहाँ से धक्का? अबे वापस स्टार्ट कर जल्दी। चलो ये करना है, ये अगर माफिया ने हक दिया तो वो दोबारा स्टार्टिंग पे आ जाएगा। जल्दी मत बचाओ, फिनिश लाइन पे हो। माफिया का गिर गया। चल 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 चल, मर्ची दादा कर दो, मर्ची दादा। क्या कर रहे हो यार? पूरा केले का ताकत दिखाओ तुम्हारा। अरे यहाँ पे पता तो अनइवन है लेफ्ट साइड में। मॉडल जिम को नहीं जा रहे क्या? जिम को नहीं जा रहे क्या? ओए वो गिर रहा है। चल मर्ची पड़ जा, आराम से आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। अनइवन है बेस साइड। बूम बम कर रहा था। चलो जो थर्ड चैलेंज ये बहुत इजी येट डिफिकल्ट चैलेंज है। इसमें ये कि आपके पास तीन कंचे हैं एंड आपको जो है एक स्पून से तीनों को जो है बैलेंस करना है। हर एक टीम से एक एक बंदा आएगा। से फॉर एग्जांपल, पहली टीम से कृतिका आती है, उसको बैलेंस करना है। वो जितने मैक्सिमम टाइम के लिए कंचे बैलेंस कर पाती है, से फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स के बाद कृतिका ने अपना पहला कंचा गिराया तो उसका जो है 30 सेकंड्स का टाइमर हिट हो गया। नेक्स्ट काशवी आती है उसके ओपोनेंट में, तो से फॉर एग्जांपल उसने 25 सेकंड में अपना पहला कंचा गिरा दिया तो कृतिका गेट्स 1 पॉइंट फॉर हर टीम्स। लाइकवाइज हर एक टीम से एक एक बंदा आएगा। तो टीम ऐसे है, कृतिका वर्सेस काशवी, माफिया वर्सेस जोकर एंड मॉर्टल वर्सेस मर्सी। सो गाइस, सबसे पहले फेस ऑफ होने वाला है मॉर्टल वर्सेस मर्सी का। पहले मॉर्टल अपना पूरा हैंडलिंग करेंगे, टाइमर बेस्ड गेम है, देखते हैं कितनी देर तक वो अपने तीन कंचे संभाल सकते हैं दो की जगह। स्टार्टिंग इन 3 2 1 गो। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 2 3 4 सेकेंड में टिक गया। सेम खटा दुर्घटना घटी, हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। कंचे गोइंग दूर, कहाँ कंचे दूर हैं? कंचे कहाँ दूर हैं? वाह, यो यो यो, आओ सर, गाये, नाइस, 37 seconds, 48 milliseconds. So guys, next Mercy आ चुके हैं। Mercy का time starting in 3 2 1 go. Slow. Let's go Mercy. Slow. भाई touch कर।
सो गाइस सेकंड फेस ऑफ इज बिटवीन माफिया एंड जोकर। तो सबसे पहले माफिया आ रहे हैं अपनी टीम से, देखते हैं कितना चलता है। अभी मॉडल चल रहा है 37, मर्सी आउट हुआ 13 पे, माफिया देखते हैं कितने पे जाते हैं। माफिया योर टाइम स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 गो। जोकर भाई आ रहे हैं फ्रॉम टीम कृतिका। जोकर सुनो, इससे हम खाएंगे भी बाद में। योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। मुझे लगता है जोकर टिक पाएगा। हाँ दिखाओ जन्नत दिखाओ। यार तुम लोग भाई पहले डीमोटिवेट कर दो आदमी को। ड्रिल ये है। अरे 12 है यार, उसके 13 दे रहे। ऐसे ऐसे करोगे तो कंचा ऐसे जाके ऐसे आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा। लेकिन तुम ऐसे करोगे इधर वाले को, ऐसे इधर करोगे तो कन्वर्ज रहेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा स्पेस, कम स्पेस में हैंडलिंग। मैं आऊंगी पहले। यार हमें कोचिंग नहीं दी। अबे तो मैंने अब ऑब्जर्व किया है, कोचिंग ही नहीं दे रहा है। अरे तो मैंने ऑब्जर्व किया है, कौन भगा ये कर रहा है? गलत बात है, कोचिंग हमें ही नहीं। नाउ द कैप्टन्स देमसेल्फ आ चुके हैं यहां पे। सो योर टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। ये देखो 3 सेकंड तो ये यहीं पे खा गई। लेकिन 3 सेकंड के बाद छोड़ा है उसे, बहुत देर तो यहीं पे स्टॉप हो गई। क्या कर रही है? टाइमर चालू हुआ ऐसे। गाइस यहाँ पे आ चुके सबसे सड़ा प्लेयर इस पूरे चैलेंज, इस पूरे वीडियो का। चम्मच मार दूंगी। कोई बात नहीं, सॉरी। तो गाइस आपका इनका टाइम स्टार्ट देख लो हालात। तो गाइस इनका टाइम स्टार्ट हो रहा है इन 3, यहाँ से करना मेरी माँ बीच से, इन 3, 2, 1 गो। इतने छोटे हाथों से नहीं हम लोग का तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। कैप्टन एक बार तो कैप्टन भी हमारी जैसा निकला, हम भी वैसे ही निकले, अब क्या करेंगे। सीधी सी बात है, कैप्टन से होना नहीं है। और हम लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं। पहला राउंड देख के हम लोग डिमोटिवेट हो गए, सेकंड राउंड में फिर डिमोटिवेट हुए। थर्ड राउंड में मैंने आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। हमारी सोशल के लिंक्स दैट इज ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इन सब के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस एसए ड्यूअल मर्चेंडाइज का ड्रॉप 3 इज नाउ लाइव, तो आप लोग जल्दी से जाके खरीद सकते हो ऑन saduelstore.in। आल्सो गाइस एसए ड्यूअल हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ईस्पोर्ट्स अवार्ड कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर में। जल्दी से जाइए और हमें वोट करिए। एवरी डे यू कैन वोट, 24 आवर्स में एक बंदा अपने एक आईडी से, मतलब एवरी 24 आवर वोट कर सकता है। तो अलार्म लगाइए हर रोज 7 बजे का और वोट करते जाइए। ऑल्सो मैं नॉमिनेट हुआ हूँ ईस्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए, तो मुझे भी वोट कर दीजिए और ये मक्खी को भी वोट करवाता हूं। मॉर्टल गाइस नॉमिनेट हुआ ईस्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए। ओके गाइस तो जल्दी से जाइए, हम लोग को वोट करिए। एवरी डे एवरी वोट काउंट्स। एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, शेयर।